आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीड़ित परिवार से मिलने ग्राम बेंदा चिल्पी पहुंचे युवा जनता कांग्रेस जोगी के जिला अध्यक्ष। आबकारी विभाग कवर्धा की कस्टडी में 23 जुलाई को हुए बैगा नव युवक हरिचंद के दुखद घटना के उपरांत आज उनके परिजनों से मिलने युवा जनता कांग्रेस जोगी के जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी ग्राम बेंदा चिल्पी पहुंचे व शोक संवेदना व्यक्त की। सुनील केसरवानी ने कहा कि बैगा नवयुवक के हत्या के मामले में आज 6-7 दिन हो गया है, फिर भी अभी तक ना ही शासन ध्यान दे रहा है और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है, बल्कि इस मामले पर न्याय मांगने पहुंचे। घटना के दिन अज्ञात ग्रामीणों के नाम से 5-5 धाराएं लगा दी गई। आज बैगा आदिवासी गरीब के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और गरीब के साथ ऐसा हो सकता है, और जिस दिन यह घटना हुआ उस दिन कवर्धा विधायक व प्रदेश के मंत्री मोहम्मद अकबर दिन भर कवर्धा में रहने के बाद भी पीड़ित परिवार से मिलना भी उचित नहीं समझे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन सिर्फ निलंबित कर उच्च अधिकारियों को बचा रही है। और केसरवानी ने कहा कि मृतक की पत्नी को शासकीय नौकरी, उचित मुआवजा व आबकारी विभाग के दोषी अधिकारियों को बर्खास्त कर उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ चिल्पी थाना प्रभारी राकेश लकड़ा, जो कि चिल्पी थाना का TI है, उनसे थाना जाकर पूरा मामला का जानकारी लिया गया, जिसमें युवा जनता कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष अश्विनी यदु, विधानसभा अध्यक्ष बिहारी पटेल, छात्र संघ जिला अध्यक्ष रविचंद्र वंशी, दलित चंद ओगरे, केवल चंद्रवंशी, JD मानिकपुरी, हरेंद्र चंद्राकर, महेश मानिकपुरी, जीवन यादव, दिनेश झरिया, गजेंद्र कश्यप शामिल थे। जिस तरीके से आबकारी विभाग द्वारा प्रताड़ित किया गया चिल्फी के हमारे आदिवासी जनजाति के बैगा युवा को, जो अपना परिवार भरण पोषण करता था, उनके प्रताड़ना से तंग आकर वह फांसी के फंदे को लगाने को मजबूर हुआ, वो भी आबकारी कक्ष में। अब इनके द्वारा बताया जाता है, पीड़ित परिवार वालों से हम लोगों ने आज मुलाकात किया और इन्होंने जिस प्रकार का घटना बताया कि वो घर आए, घर में ज़बरदस्ती घुसे, फिर उनके साथ मारपीट भी हुआ, फिर ज़बरदस्ती बैठा के भी ले गए, पैसे की मांग की गई, तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। वह हरिचंद दिन भर रात भर प्रताड़ित था, जिसके कारण वह यह आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। और मेरी नज़रों में जिस प्रकार की घटना हुई है, यह आत्महत्या नहीं बल्कि यह हत्या है। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा सिर्फ 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन उसके बाद अभी तक किसी भी तरह की जांच नहीं की गई है, किसी भी तरह का इन्हें मुआवजा, नौकरी, आश्वासन किसी भी तरह का नहीं किया गया है। आज जिस तरीके से परिवार प्रताड़ित है, छोटी बच्ची को लेके उसके जीवन के लिए चिंतित है, लोग अभी भी सहमे हुए हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ तक पैसे की मांग इस तरह की जा रही थी कि ये पैसे देने के लिए भी तैयार थे, आवास के नाम से जो पैसा आया हुआ था उसको भी ये लोग अंत में समझौता करके देने के लिए तैयार थे, लेकिन सुबह इसकी माँ जब जाती है दुकान चिल्फी लेने और वहीं दुकानदार के पता चलता कि आपके बच्चे की मौत हो गई है, वो बेचारी घबरा के थाना जाती है पूछने के लिए। वहाँ पे लोग न्याय की मांग, कैसी हुई घटना, इसको पूछने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनके पिताजी के द्वारा मारपीट किया जाता है। इनके पिताजी को ऐसी चोट लगी है कि अभी भी आँख में परेशानी है, देख नहीं पा रहे हैं। उल्टा से जो इनको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय तो नहीं मिल पा रहा है, बल्कि 5 धाराएं इनके ऊपर लगा दिया गया है। और ये धाराएं ऐसा लगाया गया है कि इन्हें बिल्कुल ही ये ऐसा बताया जा रहा है कि यही दोषी है। इन्होंने न्याय की बात को लेके थाना गए थे, थाना में जिन्होंने उनको आश्वासन भी दिया गया था अधिकारियों के द्वारा कि आपको न्याय मिलेगा, आपको किसी भी तरह की धाराएं नहीं लगेगी, बिल्कुल उल्टा ही और धारा लगा दिया गया है। तो इस कड़ी में परिवार वालों के साथ मिल के हम न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ तैयार हैं। युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे कल परिवार वालों के साथ बैठ के चिल्फी में एक दिवसीय धरना के माध्यम से मांग करेगी कि जल्द ही जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो उनको मुआवजा मिलनी चाहिए, इस परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, जल्द ही उसकी पूर्ति हो, अन्यथा हम
इस ब्लॉक से लेके चिल्फी से लेके पूरा रायपुर तक की लड़ाई लड़ेंगे, यही हमारी प्रशासन से मांग रहेगी। आरएनएन न्यूज़ के लिए कबीरधाम से जीवन यादव की रिपोर्ट।